हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रधान अशोक तंवर प्रदेश की राजनीति में अपनी भूमिका की तलाश में हैं। अशोक तंवर के समर्थकों द्वारा 16 फरवरी को करदाल में स्वाभिमान रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली के सिलसिले में अशोक तंवर शनिवार को कैथल में थे। सभी साथियों ने मिलकर के 16 फरवरी को, यानी कि ये इतवार छोड़ करके कल का अगले इतवार को वहाँ पर करनाल के सेक्टर 12 के ग्राउंड में जो मिनी सेक्रेटरीट के साथ है वहाँ पर आते 10:30 बजे स्वाभिमान दिवस के रूप में इन्होंने एक रैली बुलाई है। उद्देश्य यही है कि हम जो प्रदेश के हालात हैं उसके बारे में चर्चा करके आगे का रास्ता किस तरीके से होगा क्या करें, और जो साथी सारे मिलकर के कहेंगे वही मैं समझता हूँ कि हम सब लोग। पत्रकारों से बात करते हुए अशोक तंवर ने स्वाभिमान रैली का उद्देश्य हरियाणा में वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत बताया। अशोक तंवर ने कहा कि आज न सरकार कुछ काम कर रही है और न ही विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। अभी तुमने देख रहा था, बोले 100 दिन हो गए, 100 भी होंगे, 1000 भी होंगे, पहले भी हुए थे, आगे भी होंगे, लेकिन उपलब्धियां क्या है सरकार की? ना तो कोई सरकार की उपलब्धि है और ना कोई विपक्ष की उपलब्धि है, क्योंकि सरकार का काम करके दिखाना है और विपक्ष उन मुद्दों को उजागर करना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सब लोग, सरकार भी हनीमून पीरियड में है और जो विपक्ष भी है वो भी कहीं ना कहीं हनीमून पीरियड में कर रहे हैं, और दोनों आराम कर रहे हैं और जनता परेशान है। तो ऐसे में यहाँ निकम्मी सरकार हो, निकम्मा विपक्ष हो, प्रदेश के हालात बदतर हो, जनता परेशान हो, वैसे में मैं समझता हूँ कि एक अल्टरनेट जो राजनीति है पॉलिटिक्स में, उसके लिए हम लोग मिलकर के सारे साथी संघर्ष करेंगे। कुलदीप बिश्नोई के बयान का समर्थन करते हुए अशोक तंवर ने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव में टिकटों का वितरण सही होता तो राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती। ये तो इसमें तो जग जाहिर है, ये तो बातें कि टिकट सही बढ़ती और संघर्ष करने वाले लोगों को मौका मिला होता और लोगों को, तो सरकार तो कम से कम 55-60 सीटों के साथ वो बननी तय थी, लेकिन जब नजायज हुआ और जब गड़बड़ी की गई कुछ लोगों ने भाजपा के साथ मिलकर के साठ गांठ करी, तो वो लोग जिन्होंने संघर्ष किया था मैं समझता हूँ कि फिर उन्होंने अपने तरीके से जो भी कदम उठा सकते थे उठाने का काम किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए अशोक तंवर ने कहा कि अब सारी जिम्मेदारी उनके हाथ में है। अशोक तंवर ने दावा किया कि एक महीने बाद फिर से हरियाणा कांग्रेस में गुटबंदी का नया दौर शुरू होने वाला है। बागडोर दे रखी है, अब आगे समझ में आ जाएगा सारा सौदा, उसमें क्या है, बागडोर तो अब पूरी बागडोर है। एक महीने रुक जाओ, मैं बोलता हूँ, दिखाऊंगा क्या क्या हो रहा है, और फिर और आगे करेंगे। एक महीने के बाद फिर वही पेन चलेगा, फिर वही गड़बड़ियां होंगी, फिर वही साजिश होगी, फिर वही षड्यंत्र होंगे, फिर वही आप पूछोगे जी गुटबाजी है, फिर लोगों के पास जवाब नहीं पाएगा। अरे यहाँ जो है पूरे आनंद के साथ एक मजबूत विपक्ष की भूमिका वो हम सारे साथी मिलकर के देंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अशोक तंवर की नई पार्टी के संबंध में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।